सरकार ने बाल विकास परियोजना चलाई है ताकि छोटे छोटे बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा, गर्भवती व धात्री महिलाओं को निःशुल्क पोषाहार वितरण हो सके। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि जौनपुर जिले के रामनगर ब्लॉक के उत्तर पट्टी गाँव में आंगनबाड़ी भवन न होने के कारण कार्यकर्ती कुसुम लता सहित 45 बच्चों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सहायिका मैं 8-10 साल से मालिक बगीचे में यहाँ वहाँ से भटक रही हूँ। मैं कोई मुझे कोई आंगनवाड़ी बना नहीं है। मैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के धूप में, बरसात में और ठंडी के मौसम में लेकर झेल रही हूँ। और हमारे बच्चे हैं, गर्भवती भी आती हैं, पोषाहार ले जाती हैं, खाना भी मिलता है, पोषाहार बांटते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे केंद्र नहीं है। किसी के घर में रखते हैं, कोई सामान रखते हैं तो उसमें भी हो जाता है, बच्चे फाड़ देते हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई प्रधान से कहें, अपने सुपरवाइजर से कहें, CTPO से भी कहें कि सर हमारा हम बगीचे पढ़ा रहे हैं। तो कहाँ कि हाँ चलो आएगा योजना तो फिर बनेगा। पहले हम सब नियुक्ति हमारी हुई थी, हमारे हाथा है बाउंड्री है उसी में 2 साल पढ़ाए। वहाँ से फिर 2 साल वहाँ पढ़ाने के बाद फिर एक बाज़ार में मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पोखरा है, वही पोखरा पर हम लोग वहाँ भी पढ़ाए 2-3 साल। फिर वहाँ से रसूलहा और तिलंगा के बॉर्डर पे प्राइमरी विद्यालय है, तो प्राइमरी विद्यालय में वहाँ पर हम सब रहें। फिर वहाँ से हमारे लोग का सर्वे पलटी हो गया, हमारे बच्चे वहाँ नहीं जा रहे पाँच, तो हम लोग चले आए चौरा मंदिर पे उत्तर पट्टी में। यहाँ पर हमारे लोग को कोई सुविधा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं दीदी, बारिश हो रहा है तो लेकर भाग जा रहे हैं, धूप हो रहा है तो लेकर भाग रहे हैं। हम लोग को विद्यालय मतलब कि आंगनबाड़ी भवन चाह रहा है, हम लोग को मिल जाए आप लोग की सहायता से, आप लोग के परिश्रम से तो बहुत अच्छा है। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि जौनपुर जिले के मणियाऊ तहसील के SDM के मोबाइल नंबर 94-54-41-71-09 पे कॉल करके दबाव बनाएं। मैं उषा पटेल, जौनपुर जिले के उत्तर प्रदेश, इंडिया नहर के लिए।